Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum students, Learn Online School ki janib se main hoon Mohammed Imran aur aaj hum Excel ke upar ek next sheet iska part 2 padhenge aur next sheet aaj banana seekhenge. एक सैलरी शीट और उसके अंदर जो फार्मूले यूज़ होंगे वो किस तरह के होंगे, आए ज़रा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम सीरियल नंबर देते हैं, फिर उसके बाद हम नेम देते हैं, एम्प्लॉय नेम जो होता है. फिर उसके बाद आप पोजीशन दे सकते हैं कि उसकी ऑफिस के अंदर एज ए ऑफिस असिस्टेंट है या कोई भी उसकी पोजिशन है, तो आप पोजिशन लिखें. फिर उसके बाद आप उसकी बेसिक सैलरी लिखें, सैलरी लिखें. फिर उसके बाद डेज लिखें और उसके बाद नेट सैलरी लिखें. ये हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए. अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो देख लीजिएगा. सीरियल 1, 2, 3, तीन स्टूडेंट्स का मैं रिकॉर्ड बनाता हूँ, अली, असद, कामरान. फॉर एग्जांपल ऑफिस असिस्टेंट है, ठीक है, मैनेजर है, सीईओ है. सपोज इसकी सैलरी 40,000 है, इसकी सैलरी 45,000 है और इसकी सैलरी 55,000 है. फॉर एग्ज़ाम्पल इस शीट को बनाने का मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट सेक्टर के अंदर 90% ऐसा होता है कि आप जितने दिन काम करते हैं आपको उतने दिन की सैलरी मिलती है, अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपकी सैलरी कट जाती है. तो सपोज़ अली ने 30 दिन पूरा काम किया, इन्होंने 27 दिन काम किया और इन्होंने 25 दिन काम किया. तो अब हमने एक फार्मूला निकालना है कि इनकी सैलरी, नेट सैलरी इनको जो मिलनी है वो क्या है, बकाया जो कटेगी कि 3 दिन की या 5 दिन की वो किस तरह कटेगी. अब इक्वल लगाते हैं. इक्वल लगाने के बाद हमने देखना है कि बेसिक सैलरी किस में है. जी फाइव, ये देखें हमारी G5 आ गया. मल्टीप्लाई डेज़ किसके अंदर आते हैं, H5 डिवाइडेड बाय, हमें जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 30 के हिसाब से. अगर 28 का महीना हो तब भी हमें सैलरी पूरी मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि 31 का हो तब भी. तो इसलिए हम फार्मूला 30 का लगाएंगे. अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं. तो सपोज़ देखें कि अली ऑफिस असिस्टेंट है, इसकी 40,000 सैलरी थी, इसका पूरा मंथ इसने काम किया तो इसको कंप्लीट सैलरी मिली है. अब इसी को हम अगर नीचे चेक करते हैं तो देखें कि इसकी सैलरी कम हो गई है, 45,000 में से 40,500 रह गई है, ठीक है, और इसकी सैलरी 45,803 है, इसकी 5 दिन की सैलरी कटी है. आई होप कि आपको ये एक शीट समझ आ गई होगी. उसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें भी समझाता हूँ, टेक्निकली बड़ी इम्पोर्टेंट है. कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो एक्सेल के अंदर ऑलरेडी लगे हुए हैं. एग्जांपल देता हूँ कि मैं इन 4 को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इस जगह पे आ जाता हूँ. देखें हमारे पास काउंट 4, अब काउंट का फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, यानी कि इसने टोटल बताया गया जो 4 रकमें हैं, फिर उसके बाद उसने इसकी एवरेज भी निकाल दी है और उसने इसको प्लस भी कर दिया, सम भी कर दिया. सम में वो बता रहा है कि टोटल 9 हो चुके हैं. तो ये ऑलरेडी फार्मूले लगे हुए हैं, अगर आप इनको चेक करना चाहें तो यहाँ से देखें, सम का फार्मूला काउंट का एवरेज का लगा हुआ है. तो ये भी एक टेक्निकल चीज़ है कि आप सिंपल तरीके से भी उसको, जैसे ये देखें ये 3 रकमें हैं, ये टोटल इतनी बन रही हैं, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं. उसके अलावा ये आपके पास 3 शीटें हैं, आप इनको बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं,
ठीक है। उसके अलावा आप इस शीट को जितना खूबसूरत वगैरह बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। ये स्टाइल आपके, ये देखिए। तो आप इस फाइल को सेव कर दें, सेव एज में आप डिफरेंट नाम चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर मज़ीद शीट्स बनाऊंगा और उसके मज़ीद फार्मूलाज आपको बताऊंगा कि आप फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अकाउंट्स, आर्मी शीट और मुख्तलिफ शीट्स हैं उनके अंदर जो फार्मूले यूज़ होते हैं वो किस तरह होते हैं, और आखिर में आपके ख़ुद किस तरह फार्मूले बना सकते हैं वो भी सीखेंगे। लेकिन आज की शीट के अंदर मैंने आपको बताया कि सैलरी शीट आप कैसे बना सकते हैं किसी भी ऑफिस की। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में सवाल लिख सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो लर्न ऑनलाइन स्कूल के नाम से है। थैंक यू वेरी मच।